स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखा था एंड आई होप सो आपको वो समझ में आया होगा. तो लेट अस स्टार्ट आवर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. क्या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे इसी पैटर्न पे आते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे आते हैं. ठीक है बेटा, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की? इसको मैं लेटर में, ठीक है, रिएक्शन हुज रेट डिपेंड्स अपॉन हुज रेट्स डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन आर नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. मतलब जिस रिएक्शन का रेट, ठीक है, जिस रिएक्शन का रेट आपके कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर पर डिपेंड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. तो यहाँ पे भी हम बहुत सीखेंगे कि रेट का इक्वेशन क्या होता है, एटी क्या होता है, बीटी क्या होता है, हाफ लाइफ क्या होता है, लाइफ टाइम रिएक्शन ऑफ द क्या होता है. ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम फिर से यहाँ पे निकालना सीखेंगे. तो लेट मान लो कोई ए टेंस टू बी मेरा कोई रिएक्शन है, तो इसका रेट क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू के ए का पावर वन. तो दिस इज योर रेट. ठीक है, ये आपका पहला इक्वेशन बनेगा. इसका मतलब यहाँ पे जो रेट होगा कंसंट्रेशन के पावर वन पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर वन पे डिपेंड करता है. ठीक है, लेट इट बी टी इक्वल टू जीरो पे, अगर ये ए नॉट है तब ये जीरो होगा और टी इक्वल टू टी पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस एक्स मतलब ये ए टी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक्स मतलब ये क्या हो जाएगा, बी टी हो जाएगा. ठीक है, तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, आर बराबर क्या होगा, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, के ए. क्या ऐसा होगा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या मुझे ऐसे लिखने की इजाज़त है? बिल्कुल इजाज़त है. अब ये जो ए है, ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी ए माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू ये लिख सकता हूँ मैं. अच्छा लेट इट बी, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, ऐसा बेटर, ऐसा लिखो. ठीक है, कि प्लस डी बी बाई डी टी, ठीक है, ये हमेशा किसके बराबर होता है, प्लस डी एक्स बाय डी टी के बराबर होता है. इसमें कोई शंका नहीं क्योंकि हमने जीरो ऑर्डर में देखते आ रहे, फाइनली ये डी एक्स बाई डी टी ही आपका बचता है. और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, आर की वैल्यू, क्योंकि आर की वैल्यू डी एक्स बाई डी टी है और आर की वैल्यू क्या है, के. तो ये के हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ डी एक्स बाई डी टी जो होगा वो के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए हो गया. ठीक है, अब ये कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या, सी यहाँ पे हम ए नॉट नहीं लिख सकते, अगर ए नॉट लिखेंगे तो फिर गड़बड़ मामला हो जाए. क्यों? क्योंकि उसने इनिशियल रेट की बात नहीं किया. जब हम सिंपल रेट बोलते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन, मतलब इनिशियल छोड़ के बाकी किसी टाइम पे भी जो रेट डिफाइन होता है वो रेट ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा. क्या हो जाएगा, वो रेट ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा. ठीक है, और दूसरी बात मैं बात करूं कि अगर मैं सिर्फ इनिशियल रेट की बात करूं तो यहाँ पे या तो मैं आर नोट लिखूंगा या तो यहाँ ए नोट लिखूंगा, तब वो मेरा इनिशियल रेट होगा. लेकिन कुछ समय के बाद आफ्टर टाइम टी जो कंसंट्रेशन होता है उसको हम ए टी बोलते हैं और उसी को यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ए जो हम लिखेंगे वो होगा मेरा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी के बाद होगा. ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं डिस्कशन. तो मैं लिख सकता हूँ डी एक्स बाई डी टी को मैं लिख सकता हूँ के ऑफ ए नॉट माइनस एक्स. ठीक है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, डी एक्स बाय ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डी टी. दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेट कर देता हूँ जीरो से लेकर एक्स तक और जीरो से लेकर टी तक. ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन होता है एल एन ए नॉट माइनस एक्स. ठीक है, माइनस ऑफ एल एन ए नॉट माइनस एक्स जीरो से लेकर क्या हो जाएगा, एक्स तक, और ये क्या हो जाएगा, के टी. ये तो डायरेक्ट के टी हो जाएगा, उसमें तो कोई चर्चा नहीं है, लेकिन ये जीरो से लेकर के टी. ठीक, अब जब ये वैल्यू पुट करोगे तो आपको मिलेगा माइनस एल एन ए नॉट माइनस एक्स प्लस एल एन ए नॉट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आपको के टी मिलेगा. नाउ इसको उधर ले जा रहा हूँ, इसको उधर लगा रहा हूँ, इसका मतलब अब आपका फॉर्मूला हो गया एल एन ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू एल एन ए नॉट माइनस के टी. दिस इज योअर सेकेंड फॉर्मूला. ठीक है, पर क्या है, देखो वहाँ पे मेरा जो जीरो ऑर्डर में जो रिएक्टेंट फॉलो करता था वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता था, यहाँ पे एक्सपोनेंशियली फॉलो करेगा. आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा एल एन है तो मतलब एक्सपोनेंशियल होगा. ठीक है, इसको मैं चेंज करता हूँ, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ एल एन लॉग ऑफ ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, लॉग ऑफ
ए नॉट माइनस के टी बाई 2.303। ये इसी फॉर्मेट का क्या हो जाएगा, ये जितने फॉर्मूले ना बेटा, बहुत फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है इनके थोड़ा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ, उसको उधर लेके जा रहा हूँ, तो के टी बाय 2.303 को मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ ए नॉट माइनस लॉग ऑफ ए नॉट माइनस एक्स। तो ए नॉट माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए नॉट माइनस एक्स। तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाता है, के बराबर 2.303 बाय टी, ये उधर चला जाएगा इन टू ऑफ लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए नॉट माइनस एक्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला। मैक्सिमम क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर के जो सॉल्व होंगे आपके इसी फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। क्यों? क्योंकि एकमात्र ऐसा फॉर्मूला जो रेट कॉन्स्टेंट को भी इंक्लूड कर रहा है, टाइम को भी इंक्लूड कर रहा है, और ए नॉट और इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन को भी इंक्लूड कर रहा है। आई बात समझ में? तो ठीक है, अभी आप बोले सर आपने तो 80 वगैरह तो बताया नहीं है, 80 वगैरह कैसे, तो बस बेटा इसी फॉर्मूले से निकालना आपको। आप क्या करो, ln a नॉट बाय a नॉट माइनस x को मैं क्या लिख सकता हूँ, kt लिख सकता हूँ, ठीक है। अभी ln उधर चला जाएगा तो a नॉट बाय a नॉट माइनस x क्या हो जाएगा, e रेस टू kt हो जाएगा। मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, मैं क्या कर दे रहा हूँ, मैं रिवर्स कर दे रहा हूँ, तो a नॉट माइनस एक्स बाय ए नॉट बराबर क्या हो, ई रेस टू माइनस के टी। तो इसका मतलब ये जो ए नॉट माइनस एक्स क्या है, ए टी है, और ये बराबर हो जाएगा ए नॉट ई रेस टू माइनस के टी। इसका मतलब दिस इज योर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ये कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, तीसरा, ये चौथा फॉर्मूला, और दिस इज योर फिफ्थ फॉर्मूला, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, और ये भी कौन किसको फॉलो करता है, एक्सपोनेंशियली फॉलो करता है, फॉलोज एक्सपोनेंशियली, ठीक है। तो नॉर्मल जो ग्राफ होते हैं जनरली फर्स्ट ऑर्डर के, सारे के सारे क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियली होते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 80 बराबर है, 80 बराबर मुझे पता है ए नॉट ई रेस टू माइनस के टी है, तो 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या, ए नॉट ई रेस टू माइनस के टी, ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए नॉट 1 माइनस ई रेस टू माइनस के टी, ठीक है। तो दिस इज योर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर टाइम टी, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर टाइम टी। आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हूँ आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट वेट वेट अ सेकेंड बेटा, सॉरी फॉर द डिले, ठीक है। तो ये हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हुआ, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, फॉलोज एक्सपोनेंशियली, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियली क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक एक्सपोनेंशियली घटेगा, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आपको पता है जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटते जाएगा, बट वो कैसे घटेगा, एक्सपोनेंशियली घटेगा। उसी तरीके से क्या होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। आई होप से यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर मैं बात करूँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नथिंग बट अल्फा बराबर क्या होगा, इनिशियल आपने ए नॉट लिया था और बच कितना रहा एक्स, तो इसका मतलब अल्फा बराबर जो हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी है मेरी, 1 माइनस ई रेस टू माइनस के टी डिवाइडेड बाय ए नॉट, दिस और दिस कैंसिल, तो अल्फा के वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई रेस टू माइनस के टी, दिस इज योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो इसका मतलब आप देख सकते हो अल्फा भी
ना अल्फा भी टाइम से क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली फॉलो करता है टाइम को, ठीक है। वहां पे क्या था, स्ट्रेट लाइन आता था, यहाँ पे एक्सपोनेंशियली फॉलो करेगा, ठीक है। अगर मैं लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन की बात करूँ, किसकी बात करो, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, तो मुझे पता है एट टी एल टी मतलब टी एल टी पे क्या हो जाएगा, 80 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो 80 की वैल्यू जीरो होना मतलब ए नॉट ई रेस टू माइनस के टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये तो भैया कुछ कांस्टेंट है, तो मतलब इसी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। मतलब मैं बोल सकता ई रेस टू माइनस के टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो, क्योंकि ये उधर जीरो से डिवाइड होगा तो भी जीरो, तो ई रेस टू माइनस के टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। अब रेट कांस्टेंट तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, तो ऐसा मैं टाइम का क्या वैल्यू रखूँ ताकि ये जीरो हो जाए, तो ऑलमोस्ट टाइम क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। तभी समथिंग का पावर इन्फिनिटी क्या होता है, ई का पावर इन्फिनिटी क्या होता है बेटा, जीरो होता है। के इन्फिनिटी नहीं हो सकता, किसी भी रिएक्शन का डायरेक्ट कॉन्स्टेंट इन्फिनाइट नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं हो सकता, यह मैं आपको आगे समझाऊंगा। कुछ ना कुछ मेजरेबल वैल्यू रहेगी, लेकिन अगर इसको जीरो करना है इसका मतलब टाइम क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, कल ही मैंने आपको समझा जीरो ऑर्डर गिवन टाइम पे जरूर कंप्लीट होता है, बट फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, इन्फिनाइट टाइम तक चलते रहते हैं, ये कभी भी ख़त्म होते ही नहीं है। आई बात समझ में, तो आई होप सो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नोट करके कि थ्योरेटिकल लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, थ्योरेटिकल लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब जैसे आप खुद से समझो ना, एट लाइफ टाइम 80 क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एट दिस टाइम जीरो, मतलब ए नॉट ई रेस टू माइनस के टी का पावर इज इक्वल टू जीरो, ये भी इधर से डिवाइड करेंगे तो जीरो, मतलब ई रेस टू माइनस के टी क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब के का कुछ वैल्यू होगा। इसका मतलब टाइम ही क्या है, इन्फाइनाइट है, क्योंकि आपको ई का पावर इन्फिनिटी की ही वैल्यू क्या रहती है, जीरो रहती है, ठीक है। तो इसका मतलब टाइम क्या रहेगा, इन्फाइनाइट रहेगा, तभी यह वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही है। इसलिए क्या होता है, थ्योरेटिकल लाइफ टाइम का फर्स्ट ऑर्डर जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है। ऑर्डर रिएक्शन इज इन्फाइनाइट होता है थ्योरेटिकल लाइफ टाइम इनका, ठीक है। हेंस इफ रिएक्शन इज, हेंस इफ रिएक्शन इज 99.9% कंप्लीटेड, हेंस इफ रिएक्शन इज 99.9% कंप्लीटेड, देन इट इज अज्यूम टू बी, देन इट इज अज्यूम To be completed. हम क्या मान लेते हैं इनको, 100% हम कम, अगर 99.9% तक भी कंप्लीट हुआ रिएक्शन, तो ये हम इसको रिएक्शन कंप्लीट ही मान लेते हैं, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ पे बात आपको समझ में आएगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक और फॉर्मूला रेट वर्सेस टाइम में, तो रेट वर्सेस टाइम बराबर क्या होगा, आर बराबर के ए, और एट कंसंट्रेशन टाइम एट टाइम टी क्या है, मेरा फॉर्मूला है के ए नॉट ई रेस टू माइनस के टी, मतलब रेट जो भी है वो रेट क्या है, एक्सपोनेंशियली फॉलो कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है। तो ये मेरे ऑलमोस्ट 7-8 फॉर्मूला हो गया, 5 हो गया, ये 6th, ये 7th, ये क्या हो जाएगा 8 फॉर्मूला, ये तो हाफ लाइफ टाइम तो जीरो इन्फिनिटी है, ये 9th फॉर्मूला, तो 9 फॉर्मूला है। मैं बार बार बोल रहा हूँ इनके फॉर्मूले ही इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूला याद है तो ऑलमोस्ट आपको क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन ही के बहुत आसान आते हैं, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है हमें इन चीज़ों में। ठीक है, तो फिलहाल मैं रब कर देता हूँ इसको, ठीक है, पर ताकि समझ में आपको, ठीक है। हाँ, लाइफ टाइम हो गया, सब 80 हो गया, BT हो गया, लाइफ टाइम हो गया, ठीक है, सब हमने इक्वेशन देख लिया। लास्ट जो इंपॉर्टेंट हमारा है हाफ लाइफ। मुझे पता है एट हाफ लाइफ 80 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए नॉट बाय 2 की वैल्यू हो जाएगी, और 80 बराबर क्या होता है, ए नॉट ई रेस टू माइनस के टी। अच्छा, इसमें तो थोड़ा सॉल्व करना थोड़ा हार्ड है, हम एक काम करते हैं, हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो हम मैंने बोला था मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब के बराबर क्या हो जाएगा, 1/t½ ln ए नॉट बाय अ टाइम एट 80, मतलब कितना हो जाएगा, ए नॉट बाय 2। या तो आप ऐसा करो
या तो दूसरा तरीका क्या है, देखो बता रहा हूँ, दोनों तरीका बता रहा हूँ। अगर मैंने x की वैल्यू a नॉट बाय टू मानी तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, k बराबर क्या कर सकता हूँ, वन बाय टी हाफ, ठीक है। मुझे ये टाइम निकालना है ln a नॉट बाय a नॉट माइनस a नॉट बाय टू। देखो यहाँ पे ये a नॉट बाय टू लिखने का मतलब क्या है कि जैसे अगर मैंने बोला कि भाई आप ये बताओ कि अगर आपका रिएक्शन 40% कंप्लीट हो चुका है तो ये 80 की वैल्यू तब कितनी होगी, तब 80 की वैल्यू आप 60 लिखो क्योंकि 40% कंप्लीट हो चुका है, तो ऊपर 100 माइनस 40 तो यहाँ कितना बच रहा है 60। तो डिपेंड, ये x जो हम लेते हैं ये x वो पार्ट है जो मेरा कंप्लीट हो चुका है रिएक्शन का, ना कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे 100 लिखेंगे यहाँ नीचे 40 क्योंकि 40% मतलब उसने टाइम किसका पूछा 40% का, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे 40 कर देते हैं, ये मैक्सिमम बच्चों का कंफ्यूजन होता है। तो प्लीज इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिए कि जब उसने 40% की बात किया मतलब x बराबर आपका 40 हो तो 100 माइनस 40 आपको करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा हाफ लाइफ कितना है, हाफ लाइफ बोला मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट 50% हो चुका, मतलब x बराबर a नॉट बाय 2, तो भी चीजें यही आएंगी, मतलब फाइनली आपको इक्वेशन यही मिलने वाला है। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, आप या तो डायरेक्ट लिखो, ये चॉइस आपकी है, तो ये a0 a0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो k बराबर क्या हो जाएगा ln 2 by t half, मतलब t half का जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो क्या है ln 2 by k। वहां पे क्या आता था फॉर्मूला a0 by 2 क्या आता था, यहां ln 2 by k। इसका यहां पे तीसरा इंपॉर्टेंट क्या कि फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ कभी भी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ठीक है, अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है नोट करके मैं लिख दे रहा हूं, क्या है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एनी डेफिनाइट फ्रैक्शन, एनी डेफिनाइट फ्रैक्शन और परसेंटेज, एनी डिफिनाइट फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ रिएक्शन, परसेंटेज ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट डेफिनेट फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, ये उल्टा होता है जीरो ऑर्डर में, डेफिनेट फ्रैक्शन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो टोटली डिपेंड करता है इनिशियल कंसंट्रेशन पे। ये कैसे करता है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं जब आपको कैरेक्टरिस्टिक समझाऊंगा तब उसको आपको बेटर समझ में आएगा, तब मैं बस आपको बोलूंगा वो नोट वाला लाइन एक बार पढ़ लेना। ठीक है, हो सकता है मैं आपको रिपीट नहीं कर पाऊँ बट एक बार पढ़ लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, डोंट वरी। आप ये मैं सोचा कि मैं समझाऊंगा नहीं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक आपको याद होगा कल मैंने आपको जीरो ऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक समझाया था, उसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर का भी अपना कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट। अब हम बात करें ग्राफ रिलेटेड टू, ग्राफ रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ग्राफ रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं मैं। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ होगा, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का, नेक्स्ट ग्राफ हो जाएगा रेट वर्सेस टाइम का, ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ हो जाएगा एलन एटी वर्सेस टाइम का, नेक्स्ट ग्राफ हो जाएगा लॉग ऑफ 80 वर्सेस टाइम का, ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, ठीक है, नेक्स्ट है अल्फा वर्सेस टाइम, नेक्स्ट है हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये टोटल आपके कितने ग्राफ है, 8 ग्राफ है, 8 ग्राफ आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ठीक है, रेट वर्सेस टाइम का, अच्छा रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का क्या रहेगा, आर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू के ए, मतलब वाई इक्वल टू क्या रहेगा, एम एस का ग्राफ रहेगा। रेट वर्सेस टाइम का फॉर्मूला क्या रहता है, आर इज इक्वल टू के ए नॉट ई रेस टू माइनस के टी, क्योंकि माइनस स्लोप है तो यहाँ से क्या रहेगा, घटते हुए रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हो
ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, ln at वर्सेस टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? ln at इज इक्वल टू ln a नॉट माइनस के टी, मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, लेकिन ये यहाँ पे टच नहीं करेगा। जीरो ऑर्डर में ये फर्क होता है, वो यहाँ पे टाइम को टच कर देता है, क्योंकि ये क्या होता है, इन्फाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, इसलिए हम ऊपर ही लिखेंगे। तो इस ग्राफ का जो स्लोप हो जाएगा, इस ग्राफ का स्लोप होगा माइनस के। ये भी ग्राफ यही रहेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला अभी भी क्या है, लॉग ऑफ ए टी बराबर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ए नॉट माइनस के टी बाई 2.303। इसका मतलब स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या हो जाएगा, माइनस के बाय 2.303। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द स्लोप। तो ये ग्राफ आपको समझ में आ रहा होगा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता था, ए टी बराबर ए नॉट ई रेस टू माइनस के टी, ये फॉर्मूला होता था। तो ये कुछ इस तरीके से घटेगा, तो प्रोडक्ट इस तरीके से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि x बराबर क्या होता था, ए नॉट वन माइनस ई रेस टू माइनस के टी। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर रिएक्टेंट एक्सपोनेंशियली घट रहा है तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, एक्सपोनेंशियली क्या हो जाएगा, घटेगा। सॉरी, प्रोडक्ट एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, रिएक्टेंट एक्सपोनेंशियली क्या हो जाएगा, घटेगा। तो आई होप सो ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा ग्राफ पड़ रहा है अल्फा वर्सेस टाइम का, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। बस ये होगा कि वन, अल्फा की वैल्यू हाईएस्ट वन होती है, तो वन को ये कभी टच नहीं करेगा, क्योंकि ये 100% कभी कंप्लीट होते ही नहीं है। ठीक है, और हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ कैसा रहेगा ये, क्योंकि हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या था, टी हाफ बराबर होता था एलन टू बाई के। तो जब यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन का टर्म आ ही नहीं रहा, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन, तो ये डायरेक्ट क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको याद रखिएगा। ठीक है, अब जो हम चर्चा करने वाले ग्राफ को छोड़ के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इनके एग्जांपल देखें, आखिर फर्स्ट ऑर्डर के मेरे एग्जांपल क्या क्या होते हैं। ठीक है, एक मिनट, सम एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल आपको बताना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल, अब मैंने आपको क्या बोला, देखो मैं जो एग्जांपल बताऊँ वो तो आपको करने हैं, साथ ही साथ जो आपके एनसीईआरटी में दिए हैं बेटा, वो आपको बहुत ज़्यादा करने हैं। मैं बार बार बोलता, जैसे आप लेक्चर देखते हो एक बार एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा करो, उनके एग्जाम्पल याद रखा करो। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है ऑल प्रॉब्लम रिलेटेड टू रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के जितने भी प्रॉब्लम होते हैं बेटा, वो सारे के सारे क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के होते हैं। ठीक है, जो भी आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, न्यूक्लियर फिजिक्स में जो आप भी न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन जो पढ़ोगे, वो सारे के सारे क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर। इन्फिनाइट टाइम तक न्यूक्लियर रेडिएशन निकलते रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ग्रोथ, आप नीट वाले आपको तो ये ज़्यादा पता है, ग्रोथ और डीके ऑफ बैक्टीरिया, ये भी क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर का ही रिएक्शन होता है, ग्रोथ और डीके ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी क्या होता है, मेरा फर्स्ट ऑर्डर का होता है। डिटेल में तो आप बायो मॉलिक्यूल या पढ़ेगा तो ये C12H22O11 वाटर के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो ये देता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। लेकिन फर्क क्या होता है, ये जो सुक्रोज होता है ये डेक्स्ट्रोफॉर्म का होता है, क्या होता है, डेक्स्ट्रोफॉर्म का, ये निकालता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये डी फॉर्म में रहता है और ये एल फॉर्म में, तो ये ग्लूकोन डी, ये जो हम पीते ना वो यही है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, जैसे फॉर एग्जांपल
CH3COOC2H5, ठीक है, प्लस इसको मैंने करवाया, इसको मैंने करवाया वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो ये देता है CH3COOH+C2H5OH, ठीक है। ये भी एग्जांपल किसका है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही है। दूसरा एग्जांपल आपका है C6H5N2Cl, C6H5N2Cl tends to give C6H5Cl+N2 gas। इनका भी डिसोसिएशन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर का ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्वाइस ऑफ N2O5 टेंस टू गिव फोर ऑफ NO2 प्लस O2, ठीक है। नेक्स्ट है इसका भी डिसोसिएशन ट्वाइस ऑफ H2O2 डिसोसिएशन ट्वाइस ऑफ H2O प्लस O2। तो ये जितने भी एग्जांपल मैंने आपको कराए सारे के सारे क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, एंड ऑल आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, सारे के सारे एक्सपेरिमेंटली निकाले गए हैं, ठीक है। अपने मन से मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, तो ठीक है। आई होप सो ये बात आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अब इनकी हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक, जो आपको मैंने नोट बोला था ना, जो आपको नहीं समझ में आएगा यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। आखिर कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, ठीक है बेटा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या होता है, इक्वल फ्रैक्शन और परसेंटेज विल रिएक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आपके मन में तो सवाल उठ रहा होगा, सर ऐसा ही आपने जीरो ऑर्डर में भी बोला था और ऐसा ही आप फर्स्ट ऑर्डर में बोल रहे हो। हाँ, बोल तो मैं सही रहा हूँ कि इक्वल परसेंटेज और फ्रैक्शन इक्वल टाइम में रिएक्ट करते हैं, बट फर्क क्या हो जाता है, जैसे 100 से 10% रिएक्ट किया मान लो 10 मिनट में, तो ये 90 पहुँचेगा। अब यहाँ से फिर 10% रिएक्ट करेगा 10 मिनट में, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको नोट बोला था कि जो इक्वल, जो पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ टाइम जो होता है, जो रिएक्ट करता है जिस टाइम पे, वो इनिशियल पे डिपेंडिंग करता है। तो यहाँ पे अगर ये जीरो ऑर्डर होता तो ये तो मेरा 80 होता था, लेकिन ये तो भैया फर्स्ट ऑर्डर है, तो ये कभी भी इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। अब इसके लिए इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा, 90, तो 90 का 10% कितना होगा, 9, तो यहाँ पे अब कितना बचेगा, 81। अगेन 10% 10 मिनट में रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे जो बचता है वो बचेगा 72.9, फिर से 10% 10 मिनट में रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे बचेगा 65.6%। तो कहने का मतलब समझ रहे हो, वहाँ पे क्या होता था, जो पर्टिकुलर फ्रैक्शन, जो डेफिनेट फ्रैक्शन हम रिएक्ट करवाते थे, वो हमेशा इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता था, लेकिन इसके बाद से इसके लिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए यही इनिशियल रिएक्शन हो जाएगा, मतलब ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा। कहने का मतलब समझ रहे हो, वहाँ पे क्या था, 100 से 90, 90 से 80, 80 से मतलब यूँ था कि जो इनिशियल स्टार्टिंग में जो आपने कंसंट्रेशन लिया वही उसी का परसेंटेज से हम रिलेट करके निकाल देते, बट यहाँ पे क्या होता था, एक बार जो रिएक्शन हो चुका फर्दर ये क्या होगा, इसके लिए इनिशियल 10% कौन सा होगा, 90 होगा, इसके लिए इनिशियल क्या होगा, 10% 81। तो बात समझ, इसलिए ये क्या होता है, ये फर्दर घटते जाता, बट ये कभी जीरो नहीं हो सकता, ये कभी होगा नहीं, 65 का फिर 6.56 रिएक्ट करेगा, 6.56 का फिर और जितना कम होगा, मतलब समझ रहे बात को, वो इसलिए कंप्लीट होता था, ये इसलिए कंप्लीट नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पे जो पर्टिकुलर डिफरेंट फ्रैक्शन जो रहता है वो कभी भी इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। और अगर आपको ये फर्स्ट ऑर्डर देखना है कि नहीं है तो कुछ नहीं, आप कभी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चेक करना है तो आप फॉर्मूला लगाओगे KL1/T ln A0/AT। तो पहले इस पार्ट के लिए मैं देखूं तो K की वैल्यू कितनी आ रही, K टाइम कितना हुआ, 1/T ln 100/90, ठीक है, ये वैल्यू निकालो। दूसरा क्या हो जाएगा, K 1/10, लेकिन अब यहाँ से यहाँ देखो 90 से 81, तो ln 90/81, तो ये कितना आ रहा है, 10/9, और ये भी कितना आएगा, 10/9, तो देख रहे हो दोनों में क्या रही, वैल्यू
सेम आ रही है, तो आप इस तरीके से ऑर्डर भी डिटरमाइन कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कल एक क्वेश्चन बताया था कि जिसमें पहले हम पुट करेंगे फॉर्मूला जीरो ऑर्डर का, जिसमें हम देखेंगे के की वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं दोनों डाटा में। अगर के की वैल्यू सेम आ रही है तो इट मीन्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो उसी तरीके से हम क्या करें, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर में के की वैल्यू पुट करके देखेंगे, मतलब के का फॉर्मूला वाला पुट करेंगे और हम दोनों डाटा के लिए यहाँ से यहाँ तक के लिए, फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए के की वैल्यू निकालें। अगर दोनों टाइम में के की वैल्यू सेम है तो फर्स्ट ऑर्डर है, अदरवाइज जीरो। मैं हमेशा यही सजेशन देता हूँ बच्चे को, हमेशा पहले फर्स्ट ऑर्डर लगाया करो, क्योंकि 99.9% क्वेश्चन आपके फर्स्ट ऑर्डर पे ही रहता है, ठीक है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट है कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। इनका हाफ लाइफ जो है वो कभी भी इनिशियल कंसंट्रेशन के रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, जबकि वहाँ डिपेंड करता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑर्डर, ठीक है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, वहाँ पे रेट और टाइम कॉन्स्टेंट रहते थे बराबर, लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंशियली होगा, ठीक है। रेट चेंजेस विद कंसंट्रेशन एज वेल एज टाइम, रेट चेंजेस विद कंसंट्रेशन एज वेल एज टाइम एंड डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली एंड डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, ठीक है बेटा। तो आई होप्स आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये दिस वॉज योर ओवरऑल इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब हम जो करेंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना चालू करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो क्वेश्चन है, इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 8 मोलर which changes to 2 molar in 40 minute determine, ठीक है। देखो मैं फर्स्ट ऑर्डर में आपको बहुत सारे शॉर्ट टेक्निक्स दूंगा जिससे आप नीट के क्वेश्चन इजीली बना सकते हो, ठीक है। बट पहले हम क्या है, पहले हम फॉर्मूला सीखेंगे, पहले क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, उसके बाद हम इन चीज़ों को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। डिटरमाइन पहला आपसे बोला है रेट कॉन्स्टेंट, सेकेंड आपको क्या बोला वो टी हाफ, और थर्ड क्या बोला है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, After time 60 मिनट के बाद उसने बोला, ठीक है। तो कोई गल नहीं भैया, करेंगे अपन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गिवन डाटा आपको क्या दिया हुआ, कंसंट्रेशन एट 40 कितना दिया हुआ आपको, 2 मोलर दिया हुआ, ए नॉट की वैल्यू दिया हुआ कितना 8 मोलर, और कुछ दिया हुआ है क्या आपको, और टाइम आपको दिया हुआ 40 मिनट, टाइम कितना दिया हुआ है 40 मिनट। अब इनके शॉर्ट टेक्निक्स है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट 2 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हो, बट पहले हम फॉर्मूला पुट करके देखेंगे, ठीक है। मेरा फॉर्मूला क्या है, के बराबर क्या होता है 1/T ln of a0/at, ये होता है क्योंकि मैंने जनरली बोला आपको फॉर्मूला यही पुट करना है। अगर आप ये सोचोगे at = a0e^(kt) लगा सकते हो, लगा लो, सॉल्व कर सकते हो, कर लो, अच्छी बात है, बट मुझे नहीं लगता इस फॉर्मूले से के निकालना थोड़ा आसान रहेगा, आई थिंक आसान इसी से रहेगा। पहला रेट कॉन्स्टेंट बोला, टाइम कितना दिया हुआ 40 दिया हुआ ln, इनिशियल कितना 8, और एट उस 40 मिनट में ऑलरेडी उसने कंसंट्रेशन 2 मोलर दिया, मतलब a0 माइनस x की वैल्यू ऑलरेडी उसने कितनी दी हुई 2 दी है, तो 4, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ln 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 ln 2/40
तो मतलब ln 2/20 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा रेट कांस्टेंट। अब मैं बात करूँ हाफ लाइफ, हाफ लाइफ कितना हो जाएगा ln 2/k, इसलिए मैंने उसको पूरा सॉल्व नहीं किया। तब यहाँ पे देखो ln 2/ क्या हो जाएगा, ln 2/20, दिस और दिस कैंसिल, मतलब 20 मिनट आपका क्या है हाफ लाइफ है। अब थोड़ा समझो बात को, हाफ लाइफ मतलब 50% रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगा, 50% रिएक्शन जो आपका टाइम कंप्लीट लग रहा है वो 20 मिनट है। मतलब आप देखो 8 से 4 जाने के लिए उसको कितने मिनट लगेंगे, 20 मिनट, और फिर अगेन 4 से 2। अब ऐसा नहीं कि अब मैंने क्या बोला, यही तो कॉन्सेप्ट है फर्स्ट ऑर्डर का, कि अब उसको यहाँ से कोई मतलब नहीं है, अब जो आगे का घटेगा वो यहीं से घटेगा, ठीक है। तो 8 से 4 गया, फिर से 20 मिनट में, तो आप देख सकते हो नेक्स्ट 40 मिनट में उसने वही तो बोला, 8 से 2 आने में उसको 40 मिनट लगे, तो 60 मिनट में कितना होगा, अगेन यहाँ से 20 मिनट लगा लो तो 1 बचेगा, तो मतलब टोटल टाइम कितना होगा 60 मिनट, तो 60 मिनट पे जो कंसंट्रेशन होगा वो मेरा होगा 1 मोलर होगा, क्या होगा 1 मोलर। तो ये मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, मैं इसको फॉर्मूला बेस्ड भी करूँगा। फॉर्मूला से कैसे करूँगा, देखो के की वैल्यू आपने निकाल ली कितनी है भैया, ln 2/20 इज इक्वल टू 1/60, टाइम कितना मेरा 1/60 ln 8/80, तो ये कितने टाइम चला गया, 3 टाइम चला गया, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ln 2 इज इक्वल टू ln 8/80, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ ln 8 इज इक्वल टू क्या होगा ln 8/80, एंटी लॉग लूंगा तो 8 बराबर क्या होगा 8/80 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस आप कॉन्सेप्ट को समझो, ये सीरीज में घटते रहता है, 10 से 5, 5 से 2.5, 2.5 से 1.25, 1.25 पर 0 उसका भी आधा कर लो, तो इस तरीके से क्या होगा हाफ लाइफ का मेरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप से ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे डोंट वरी, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो चैप्टर की। फर्स्ट ऑर्डर बहुत आसान है, एक बार समझ गए ना तो दोबारा आप भूलोगे नहीं, बस एक बार समझने की दे रही है आपको यहाँ पे। तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन ए टेंस टू गिव प्रोडक्ट, ठीक है, एज 6.93 × 10⁻³ मिनट इनवर्स, ठीक है। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट करने बोला है, पहला टी 1/3, सेकंड क्या बोला है टी 1/2, और तीसरा बोला उसने टी 2/3, ठीक है। चलो छोटा सा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे मैंने नहीं बोला कि फर्स्ट ऑर्डर है या नहीं है, तो आप कैसे पता करोगे, वेरी गुड, अगर आप जो सोच रहे हो वो सही है, आप देखोगे रेट कांस्टेंट का यूनिट, और ये जो टाइम इनवर्स जो यूनिट होता है रेट कांस्टेंट का किस ऑर्डर के लिए होता है, वेरी गुड, फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है बेटा, ठीक है। तो अब आप देखो टी हाफ बराबर पहले मैं निकाल लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा ln 2/g ln 2/k, तो ln 2 की वैल्यू क्या होगा 0.693/6.93 × 10⁻³। तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी आ जाएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो ये जब सॉल्व करने पर ये आपकी वैल्यू आती है 10⁻² मिनट। मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, आई होप आप सॉल्व करोगे। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आ जाता है, यहाँ पे आपको टाइम पूछा है टी 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 1/1/k, के जो यहाँ था वो मैंने यहाँ लिया ln a0/a0 - x, आप ऐसे चलोगे। अब x आपके लिए क्या हुआ, x हो गया बेटा 1/a0/3, कहने का मतलब है 1/k ln a0/a0
माइनस ए नॉट बाई थ्री, क्योंकि इतना पार्ट वो रिएक्ट कर चुका है। मतलब एक्स हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स हमेशा वो पार्ट रिप्रेजेंट करता है रिएक्टेंट का जो रिएक्ट कर चुका है, और ये टाइम क्या रिप्रेजेंट करता है कि भाई इतने पार्ट रिएक्शन करने के लिए उसको कितना टाइम लगा होगा, यही तो बता रहा है। टी वन बाई थ्री मतलब कि भैया आपने इनिशियल वन लिया था और वन बाई थर्ड रिएक्ट करने के लिए उसको कितना टाइम लगा, इसका मतलब ही वही है। और एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, इतना पार्ट रिएक्ट कर चुका है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे एक्चुअली ये वैल्यू कितने आएगी, के एल एन ए नॉट बाय टू बाई थ्री ए नॉट। यहाँ पे बच्चा क्या करता है, यहाँ पे मैं एक्चुअली 80 की जगह वो क्या पुट कर देता है 1 a नॉट बाई थ्री, ये गलत हो जाता है क्योंकि a नॉट बाई थ्री आप तुम तब पुट करोगे जब मेरा 2 बाई थर्ड रिएक्ट कर चुका होगा। तो ये आप समझ पा रहे हो, तो बेटर आप हमेशा इस तरीके से चलिए तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, और आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं, आपका आपको कॉन्फिडेंस है कि आपका गलत नहीं होगा, तो कोई इशू नहीं। तो आप डायरेक्ट 80 के वैल्यू क्या करोगे, 2 बाई थ्री पुट करोगे क्योंकि 1 बाई थ्री रिएक्ट कर चुका है। तो बीच चीज़ें आप समझ पा रहे हो मैं क्या समझाने के लिए, टी 1 बाई थ्री बराबर कितना हो जाएगा 10 का पावर 3 बाय 6.93 ln of 3 बाय 2, ठीक है। जो भी होगा आंसर बताइएगा। टी 2 बाय 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 बाय के ln of a नॉट बाय 1 a नॉट बाय 3, क्योंकि यहाँ पे जब आप 2 बाय 3 पुट करोगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा, a नॉट बाय 3। तो समझ, मतलब 2 बाय थर्ड रिएक्शन करने पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना बचेगा, a नॉट बाय 3, तो मतलब ये हो जाएगा 10 का पावर 3 बाय 6.93 ln of 3। तो दिस इज योर आंसर, जो भी होगा सॉल्व करके आप मुझे बताइएगा, यू कैन यूज़ कैलकुलेटर, नो इशू, ठीक है। तो आई होप सो। तो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बात क्या समझाने का, अगर बोलेगा x% क्या हो जाएगा रिएक्ट, तो उसके लिए टाइम ऑफ x परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई के ln of 100 बाय 100 माइनस x। और अगर बोलेगा f फ्रैक्शन रिएक्ट, क्या बोला, f फ्रैक्शन रिएक्ट कर चुका है, तो टी ऑफ एफ बराबर क्या होगा, 1 बाई के एल एन ऑफ 1 माइनस 1 बाई एफ, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन में था। आप बोलोगे सर मैं ए नॉट नहीं यूज़ करना, मैं 1 यूज़ करना चाहता, दैट चॉइस इज योर, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन जो भी फ्रैक्शन लोगे फिर वो ए नॉट के फॉर्म में ही लेना, ठीक है। आई बस हम, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे मैंने ए नॉट लिया, ए नॉट बाई 3 लिया, आपकी मर्जी है, आप 1 माइनस 1 बाई 3 तो भी आंसर वही आता है, लास्ट में a नॉट एनी क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम फिर से, ताकि आपको चैप्टर की क्या हो, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट required to complete 40% of reaction is 40 minutes, ठीक है, is 10 minutes, कितना है 10 minutes हुआ, ठीक है। calculate time required to complete, calculate time required to complete, calculate time required to complete 80% of reaction, calculate time required to complete 80% of reaction, ठीक है। बोल क्या रहा है, 40% रिएक्शन जो है वो 10 मिनट में खत्म हो रहा है, कितने मिनट में खत्म हो रहा है, 10 मिनट में। तो बोला 80% ऑफ रिएक्शन क्या होगा, देखो इन दोनों परसेंटेज में एक कॉमन रहेगा चीज, क्या वो के रेट कॉन्स्टेंट कभी भी चेंज नहीं कर सकता अनलेस अदरवाइज टेम्परेचर या कैटलिस्ट ना डाला हो, तो यहाँ पे तो ऐसा कोई बात ही नहीं किया। तो मेरा पहला मोटो क्या रहेगा, रेट कॉन्स्टेंट निकालने का, क्या है भैया के बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई टी, तो 10 मिनट दिया हुआ, एल एन ऑफ 100 बाय 60, क्योंकि 40% मेरा रिएक्ट कर चुका है, तो यहाँ में 80 क्या बचेगा, 60, तो 10 बाय 6, तो ये इतना आ गया मुझे टाइम, कितने के लिए, 80 के लिए नया, तो टी 80% बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय के एल एन ऑफ ए नॉट बाय 80, तो एल 1 बाय के बराबर कितना हो जाएगा, 1 बाय 10 एल एन ऑफ 10 बाय 6 एल एन ऑफ 100 बाय 20, क्योंकि 80% ये कह रहा है, बचे कितना 20, तो ये 5, तो सॉल्व दिस वैल्यू एंड गेट द आंसर, ठीक है। तो आई होप सो ये बहुत आसान से क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग।
फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट is 16 molar and T half of the reaction is T half of the reaction is 13.86 10 का पावर माइनस 3 मिनट ठीक है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैलकुलेट इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन. सेकंड उसने क्या बोला? रेट आफ्टर 27.72 इंटू 10 का पावर माइनस 3 मिनट. पहले तो उसने इनिशियल बोला, उसने बोला उसके बाद कि रेट इस कितना होगा. तो बहुत आसान सा है. कैसे? देखो, रेट कांस्टेंट नहीं पता, लेकिन हाफ लाइफ उसने दिया तो फर्स्ट ऑर्डर में यही होता बेटा. रेट कांस्टेंट अगर उसने नहीं दिया तो हाफ लाइफ जरूर देगा, क्योंकि दोनों का रिलेशन आपको पता ही है. टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ln2/k. तो इसका मतलब के बराबर क्या हो जाएगा? 0.693/13.86 इंटू 10 का पावर माइनस 3. तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू जो आपको मिलती है वो मिलती है 50. कितनी मिलेगी आपको? 50 मिलेगी. ठीक है, 50 आंसर आ जाएगा आपका 1/2. एंड जैसे ही मैं रेट की बात करूँ तो रेट आर नॉट बराबर क्या हो जाएगा? k ऑफ ए नॉट, क्योंकि इनिशियल रेट के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन आप लोगे. तो इसका मतलब k बराबर 50 और इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया? 16. मतलब क्या हो जाएगा? 80 आंसर आ जाएगा आपको. कितना आंसर आ जाएगा? 80 आ जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ रेट आफ्टर दिस, तो यहाँ पे अगेन k तो सेम रहेगा, बस आपको क्या करना है? कंसंट्रेशन है दिस टाइम निकालना है. तो फॉर्मूला क्या लगेगा भाई? k बराबर 1/t ln ऑफ ए नॉट बाय 80. ठीक है, तो कोई बात नहीं है. हमें क्या करना है? टाइम दिया हुआ, रेट कांस्टेंट दिया हुआ, 80 निकालना है. तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी? 50 1/27. अच्छा, मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, ln 2/13.86 इंटू 10 का पावर माइनस 3, ताकि क्वेश्चन मेरा आसानी से सॉल्व हो जाएगा. 10.72 इंटू 10 का पावर माइनस 3, ln ऑफ इनिशियल है 16/80. तो ये देखो, 10^-3 कैंसिल, 20, ये कितने टाइम में चला जाएगा? 2 टाइम में चला जाएगा, और ये 2 इधर आ जाएगा. देखो, मैं चाहता तो इसमें वैल्यू पुट करके आप निकालो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता. जब मुझे पता है ये वैल्यू आपस में मल्टीपल और कट रहा है, तो आप ट्राई करो उसी तरीके से सॉल्व करने का क्वेश्चन को. तो ये क्या, इसमें क्या मिलेगा? 2 ln 2 = क्या होगा? ln 16/80. तो मतलब क्या हो जाएगा? ln 4 = क्या हो जाएगा? ln 16/80. तो आप बोल सकते हो 80 बराबर क्या हो जाएगा? ln क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. तो ये क्या जाएगा? 80 बराबर हो जाएगा 4 मोलर. तो रेट बराबर क्या हो जाएगा? 50 × 4 = 200. आई बात समझ में? तो आई होप सो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है. मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपको समझाऊँगा. ठीक है, show that for a first order reaction, time required to complete 99.9% of reaction 99 is 10 time
ऑफ टी हाफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और बहुत इंपॉर्टेंट ये, हाँ ठीक है। क्या बोल रहा है, टी 99.9% जो होगा वो 2 times 10 times ऑफ टी 50%, मतलब टी हाफ मतलब टी 50%। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, के बराबर क्या हो जाएगा, 1/T 99.9% इज इक्वल टू क्या होगा, ln बाय ऊपर मेरा था 100 और नीचे क्या था 100 माइनस 99.9। तो k को मैं क्या लिख सकता हूँ, ln 2 बाय टी 50% या टी हाफ लिखो, चलो टी हाफ लिखो, 1/T 99.9%, मतलब ये कितना हो जाएगा 0.1 ऊपर चला जाएगा तो ln 10 का पावर 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0.693 बाय टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/T 99.9% और 3 ln 10 को क्या लिख सकता हूँ 2.303 log 10। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अब 2.30 तो ऐसा देखो 0.693 by t half is equal to क्या होगा 1/T 99.9 into 9096, मतलब approximately 6.93 आ रहा है। तो मतलब मैं इसको ऐसा डायरेक्ट कैंसिल कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1/10 नीचे आ जाएगा और ये 6.9, तो 6.9 कैंसिल हो जाएगा और ये 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ कि ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा कि T 99.9% जो होता है वो होता है 10 टाइम्स ऑफ क्या होता है, T हाफ होता है, ठीक है। जब इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 10, ये 10 नीचे आएगा तो ये 6.9 हो जाएगा, 6.9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 10 T हाफ मुझे फॉर्मूला हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक। किसी भी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 99.9% जो 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ टाइम के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ टाइम। अब यहाँ पे मैं देखो एक शॉर्ट टेक्निक आपको बता रहा हूँ, जैसे सपोज करो ए नॉट था, एक टी हाफ में कितना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हुआ, 50%। नेक्स्ट टी हाफ में अब इसका 50 का आधा रिएक्ट करेगा तो ये कितना हो जाएगा, ए नॉट बाय 4, मतलब यहाँ से यहाँ कितना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हुआ, 75% रिएक्शन में कितना टी हाफ लग रहा है, 2 T हाफ लग रहा है। अगेन ये क्या हो जाएगा, एक टी हाफ और ले लेगा, ए नॉट बाय 8 ले लो, अगेन क्या हो जाएगा, टी हाफ ले लो तो ए नॉट बाय 16 ले लो, अगेन टी हाफ लोगे तो क्या लोगे, ए नॉट बाय 32, मतलब यहाँ से यहाँ 75, फिर यहाँ से 87.5, तो 87.5 के लिए कितना टी हाफ लगेगा, 1, 2, 3, तो इसी तरीके से करते जाओगे तो 99.9% के लिए कितना टी हाफ लगेगा, 10 टी हाफ। तो अगर मैं बात करूँ टी हाफ बराबर बोलूँ तो कितना होता है, टी हाफ बराबर 50% रिएक्शन कंप्लीट होता है, तो 2 टी हाफ, मतलब समझ रहे हो, अगर मैं बात करूँ 2 टी हाफ में तो कितना होगा, यहाँ से यहाँ 50 और यहाँ से यहाँ 25, 50 + 25%, ठीक है। तो कितना रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, 75% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए 2 टी हाफ लगता है। अगर मैं 3 टी हाफ की बात करूं तो फिर अगेन 50 + 25 + 12.5, इसका भी आधा, मतलब ये कितना हो जाएगा, 87.5% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए 3 टी हाफ लगेगा। 4 टी हाफ अगेन करोगे आप तो 50 + 25 + 12.5 + 6.25, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये आता है 93.75% करने के लिए 40 हाफ लगता है। तो अगर आपको डायरेक्ट, अगर आपको रेट कांस्टेंट दिया हुआ है और पूछे आपसे कि भाई बताओ कितना टाइम लगेगा 93.75% रिएक्शन को कंप्लीट करने में, तो डायरेक्ट आप रेट कांस्टेंट से हाफ लाइफ निकालो, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, गेट योर आंसर, खत्म बात। तो इसी के लिए मैंने आपको क्या कर दिया, एक शॉर्ट टेक्निक डेवलप कर दिया जिसको मैंने मेरा टाइम दिया एसएस टाइमिंग, ठीक है। क्या किया मैंने, टी 50% के लिए कितना हाफ लाइफ चाहिए, एक हाफ लाइफ चाहिए, ठीक है। टी 75% के लिए कितना हाफ लाइफ चाहिए, दो हाफ लाइफ चाहिए। टी 87.5% के लिए, टी 87.5% के लिए तीन हाफ लाइफ चाहिए। टी 93.75 के लिए 4 हाफ लाइफ चाहिए। तो टी 90 के लिए कितना लगेगा, इन दोनों के बीच का, मतलब 3.33 टी हाफ, या इसको आप बोल सकते हो 10/3 टाइम्स ऑफ टी हाफ भी बोल सकते हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइमिंग है, इनको आप डायरेक्ट याद करिए, आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। टी 93.75 हो चुका है और लास्ट वैल्यू मैं लिख लेता हूँ टी 99.9999% के लिए कितना लगता है, 10 टी हाफ लगता है। और टी 90 के लिए आपको कितना लगेगा, टी 90 के लिए आपको लगेगा 20 बाय
3 टाइम्स ऑफ टी हाफ या 6.66 टाइम्स ऑफ टी हाफ, ठीक है. सॉरी माई समथिंग आई एम मिसिंग, सॉरी 99, दिस इज नॉट 90%, दिस इज 99%, ठीक है. तो याद रखना, अगर 90 और 99 का पूछेगा तो क्या रिलेशन होगा, इट इज टू टाइम्स, देखो टू टाइम्स बढ़ रहा है, ठीक है. तो ये आप आई होप आप समझ में आ रहे होगा. तो ये टाइमिंग याद रखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलेगा, ठीक है. और कुछ शॉर्टकट मैं दे रहा हूँ आपको, जिसको मैं ऐसा शॉर्टकट बोलता हूँ. शॉर्टकट क्या है, आपको क्वेश्चन से भी समझ में आएगा. अगर पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है कि अगर आपको इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है, फाइनल कंसंट्रेशन आपको गिवन है, सपोज करो क्वेश्चन में इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है, फाइनल कंसंट्रेशन गिवन है, और आपको सपोज करो कैलकुलेट करना है कोई गिवन टाइम पे कितना परसेंट, ये टाइम टी मतलब जिस टाइम पे ये कंसंट्रेशन दिया हुआ है कि उस टाइम पे कितने टाइम पे ये पहुंचेगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले काम करो ए नॉट बाय ए टी को आप डिवाइड कर दो, तो ये जो मिलेगा आपको 2 के रेंज में मिलेगा. क्या मिलेगा, 2 के मल्टीपल में. और ये जो एन होता है, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ हो जाएगा. इसका मतलब एन इंटू टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी गिवन. मतलब आपको अगर ये पता है और रेट कांस्टेंट भी मान लो, ये भी आपको गिवन है, ये गिवन है मतलब, या रेट कांस्टेंट आप ऐसा पकड़ो, रेट कांस्टेंट गिवन है, रेट कांस्टेंट गिवन है, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करो. ये शॉर्ट टेक्निक है, ये आपको क्वेश्चन में भी समझाऊंगा, ठीक है. सेकंड क्या है मेरा, मान लो अगर आपको टी गिवन है, ठीक है, ये दिया हुआ है, ये वैल्यू दी हुई आपको, ठीक है, और आपको साथ ही साथ हाफ लाइफ भी पता है और आपको रेट कांस्टेंट भी पता है और ए नॉट पता है, ठीक है. लेकिन आपको क्या करना है, ए टी को आपको कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे, फिर आप उल्टा चलोगे, आप यहाँ से क्या करोगे, एन इंटू टी हाफ करके टी गिवन करके आप एन निकाल लोगे, और फिर फाइनल कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, ए नॉट बाय 2 का पावर n. तो आप दोनों तरीके से चल सकते हो, आप नीचे से उल्टा जाओ, ऊपर से नीचे जाओ, दैट चॉइस इज योर. एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा. देखो छोटा सा क्वेश्चन है, करते हैं, ठीक है. यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट ये लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर का, फिर आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है. नितिन, ये पॉज हो गया क्या, एक मिनट, पॉज हो गया क्या, देखो तो ठीक है. एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको बेटर समझ में. इन अ पर्टिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन अ पर्टिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन अ पर्टिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 512 मोलर टू 512 मोलर टू 128 मोलर इन 40 मिनट्स, ठीक है. आपको क्या बोला पहले कंडीशन में, कैलकुलेट क्या बोल रहा है, पहला रेट कांस्टेंट, दूसरा टी हाफ, रेट कांस्टेंट, दूसरा टी हाफ, तीसरा क्या बोला उसने, इनिशियल रेट, ठीक है. अब देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, ये मेरा जो शॉर्ट टेक्निक का पहला कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन आपको दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, ए नॉट बाय 80 को डिवाइड करोगे, मतलब 512 डिवाइडेड बाय 128, ये 4 टाइम्स जा रहा है, मतलब 2 का पावर n से करोगे, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी.
ये मेरा क्या हो जाएगा, इनिशियल रेट हो जाएगा। तो आप देख रहे हो वो टेक्निक से आप कितना इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस आपको बस एक फर्क याद रखना, जब आप कंसंट्रेशन को डिवाइड कर रहे हो इनिशियल ए नॉट और ए टू को, ये हमेशा टू के मल्टीपल में होना चाहिए, तभी ये कॉन्सेप्ट वैल्यू हो सकता है, ठीक है। दूसरा मान लो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ, कैलकुलेट कंसंट्रेशन आफ्टर पहला है 1 आवर, दूसरा है 2 आवर। देखो अब ये सेकंड केस है, ये वाला आपको t गिवन है, a नॉट गिवन है, लेकिन आपको at निकालना है। तो आपको पहला काम क्या होगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल लो। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, n इंटू हाफ लाइफ कितना है 20 मिनट है, तो ये मिनट में तो t गिवन कितना दिया हुआ 60 मिनट। पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, तो n की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, तो इसका मतलब 2 का पावर 3 कितना हो जाता है 8, 2 का पावर n, और at बराबर क्या होता है a नॉट बाय 2 का पावर n, मतलब a नॉट कितना है 512/8, मतलब कितने टाइम में चला जाएगा ये चला जाएगा 64 टाइम, तो आपको ये 64 आ गया, खत्म बात, ठीक है। दूसरा भी आप इसी तरीके से करते हो, एन इंटू 20 हाफ लाइफ गिवन है और टाइम गिवन कितना है आपको, गिवन टाइम 120 है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, तो 80 बराबर कितना हो जाएगा 512/2 का पावर 6, गेट योर आंसर, खत्म बात। आपको इतना ही करना, तो देख लो कितने आसान टेक्निक है, ठीक है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बट ये टेक्निक तब वैलिड है जब कंसंट्रेशन का रेशियो 2 के पावर में मल्टीपल में हो, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है। मैक्सिमम जितने भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन होते थे मैंने आपको सारे करवा दिए हैं, कल आपका सूडो ऑर्डर चालू हो जाएगा, फिर आपका ऑलमोस्ट आपको बहुत ज़्यादा तो कुछ पढ़ना नहीं है, फिर हम कल परसों से कल एक दो क्वेश्चन और करूँगा फर्स्ट ऑर्डर पे, और टेबलर फॉर्म वाले क्वेश्चन जो एनसीईआरटी वगैरह में दिए वो हम देखेंगे, उसके बाद ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं हार्डली चार लेक्चर और रहेंगे इसके, ये खत्म हो जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाकी कल करते हैं।